अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं भाई आप। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवाब। यहां पर भाई आपके लिए प्राइसिंग डाउन वाली वीडियो लेकर आए हैं। यहां पर स्पार्क्स के इन्फिनिक्स के फोन की प्राइसेस कम हो चुकी हैं और नए नए मॉडल्स की प्राइसेस कम हुई हैं दोस्तों। ये हैरान कन बात है क्योंकि एक से एक मॉडल यहाँ पर लॉन्च होता जा रहा है जिसकी वजह से प्राइसिंग काफी डाउन हो रही है। अब क्यों डाउन हो रही है प्राइस मजीद आपको बताते हैं, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, डिस्काउंट प्राइस भी बताएंगे। चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा तो आपको एक नहीं काफी फायदे होने वाले हैं। बॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, ये इंशाल्लाह सारा आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा। बहुत सी वीडियोस हैं जो नाम नहीं ले पाता वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह टेक के हवाले से। यहां पर भाई डॉलर रेट वहीं पर है, प्राइसिंग कम हो रही है, नए नए मॉडल्स की जो भी लॉन्च हुए हैं जस्ट एक दो दिन में फिर प्राइस डाउन। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये यही मसला है कि कंपनीज अब सारी एक्टिव हो चुकी हैं, प्राइसेस जो हैं वो डाउन इसलिए हो रही हैं कि जैसे एक से एक मॉडल आ रहा है तो वो प्राइस कम रख रहा है। 8256 GB वाला का 33,000 में, तो 31,000 रुपये में अगर कंपनी 33,000 में अगर 8128 वाला कंपनी देगी तो वो कैसे चलेगा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। तो यही बात है, एक से एक काम तेज हो चुका है कंपनीज का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं इन्फिनिक्स के दो मॉडल्स की जो है वो प्राइसेस कम हुई हैं। सबसे पहले इन्फिनिक्स का जो फोन है इन्फिनिक्स हॉट 30 है भाई हमारे पास, 8GB 128GB वाला। हालांकि ये क्लोज कर दिया गया कंपनी, क्योंकि हॉट 40 आ गया है, लेकिन अगर किसी का पास स्टॉक पड़ा है तो आपको महंगा ना दे, इस वजह से 38,000 रुपए प्राइस थी इसकी, अब हो गई है इसकी प्राइस 35,000 रुपए। तो ये डिस्काउंट करके और कम मिलना चाहिए, 32 तक इजिली मिलना चाहिए दोस्तों हॉट 30 8128 वाला। तो ये डिस्काउंट है ऑफलाइन मार्केट का। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7HD इसकी प्राइस थी 22,000 रुपए, तो तकरीबन 20 के करीब मिल रहा था। अब इसकी प्राइस जो है फुल वो 20,000 हुई है, प्राइस कट लगा है 2,000 रुपए का। तो और तकरीबन मेरे ख्याल 18.5 तक मिलना चाहिए फोन, क्योंकि इसमें इतनी खास स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये है जो है 2GB 64GB वाला वेरियंट है दोस्तों। तो इन्फिनिक्स के दो फोन की प्राइसेस यहां पर कम हो गई। अब है दोस्तों स्पार्क्स की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले स्पार्क का जो फोन है वो नया ही मॉडल आया था, अभी मैंने अनबॉक्सिंग जस्ट की थी रिसेंटली, स्पार्क्स अल्ट्रा 11 8GB 128GB वाला। ये पहले प्राइस में लॉन्च हुआ था 33,000 रुपए की, अब है दोस्तों इसकी 2,000 प्राइस कट लग गया है 31,000 रुपए में, क्योंकि वीगोटेल मैंने आपको कहा था वीडियो में भी, वीगोटेल नोट 24 32,500 में 8256 Helio G99 के साथ था। ये यहां पर G88 के साथ था दोस्तों, हालांकि G85 प्रोसेसर था वो, G88 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो खैर ये 31,000 रुपए में हो गया है और तो कंपटीशन बनता नहीं था इसलिए 2,000 कम किया, लेकिन अब भी प्राइस ज्यादा है। स्पार्क्स का नियो 7 अल्ट्रा 8GB 128GB वाला वो 31,000 रुपए का था, अब हो गया है 29,500 रुपए, 1500 प्राइस कट लगा है। उसके बाद नियो 7 अल्ट्रा 6GB 128GB वाला वो 28,500 में था, 27,500 में हो गया, 1,000 का प्राइस कट लगा है। उसके बाद स्पार्क्स नियो 11 4128 ये था 26,500 रुपए की प्राइस में, अब 25,500 में हो गया है, 1,000 का प्राइस कट लगा है। नियो एक्स 128GB वाला स्पार्क्स का 4128 26,500 का था, 25,500 का ये भी हो गया है। और इसके अलावा स्पार्क्स का नियो 8 प्रो 4128 ये 26,000 में था, ये 25,000 रुपए में हो गया दोस्तों, 1,000 का प्राइस कट लगा, इतने ज्यादा नहीं है लेकिन कम हुए। और स्पार्क्स नियो 8 प्लस 4GB 64GB वाला ये था भाई पहले 24,500 रुपए में, अब 23,500 रुपए में हो गया है। अब मजीद डिस्काउंट आपको मार्केट में मिलते जाएंगे दोस्तों, ये चीज जब अंदाजा लगा ली, ऑफिशियल प्राइस बता रहा हूँ जो कंपनी का ऑफिशियल कम हुई इसमें से डिस्काउंट मिलेगा। स्पार्क्स नियो 7 प्लस 4 64 वाला 23,000 रुपए की प्राइस में था, अब आ गया है 22,000 रुपए की, 1,000 का प्राइस कट। स्पार्क्स नियो 6 ये था भाई 22,000 की प्राइस में, अब आ गया है 17,000 की प्राइस में। और स्पार्क्स नियो 5 प्रो 2GB 32GB ये 19,500 में था, ये 18,500 की प्राइस में आ गया है दोस्तों। और दोस्तों एक वीवो का फोन था जिसकी प्राइस कम हुई है, हालांकि अब भी ओवर प्राइस ही है लेकिन आपको बताना जरूरी है, वीवो Y36 ये 65,000 रुपए की प्राइस में था 8GB 256GB वाला, अब आ गया है भाई 60,000 की प्राइस में, डिस्काउंट तकरीबन 4-5,000 का मिल जाएगा, 55 तक आपको मिलना चाहिए ये वैसे, लेकिन अब भी क्योंकि इसमें ना एमोलेड डिस्प्ले है ना प्रोसेसर काम का इतना खास, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और यहाँ पर इतना खास कोई कैमराज वगैरह भी नॉर्मल ही दिए गए दोस्तों। यही फोन्स थे जिनकी प्राइसेस कम हुई, तो तकरीबन मेरे ख्याल को 10 के करीब तो फोन बन ही जाते हैं अंदाजन। तो अब ऐसी वीडियोस के लिए और अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कैमरा टेस्ट, कंपैरिजन, पबजी टेस्ट, ये सब वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल से कनेक्ट रहेगा। जो लोग नए चैनल को जा रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा, लाइक किए बगैर, और कमेंट्स लाजमी किया करिए दोस्तों, वीडियो में सजेशन भी दिया करिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।